ब्लॉग वीडियो किस ऐप से बनाएं और किस ऐप से एडिट करें। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर हम अपनी ब्लॉग वीडियो किस ऐप से बनाएं, यानी किस ऐप से हम शूट करें और किस ऐप से एडिट करें ताकि हमारा ब्लॉग वीडियो बेस्ट आए, यानी बढ़िया बने। ठीक है, सो आज की वीडियो में यही बताने वाला है कैसे आपको अपनी यानी कौन सा ऐप यूज करके अपनी वीडियो शूट करना है और कौन से ऐप से शूट करने के बाद से उसको एडिट करना है। दोनों हम इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप भी अपना ब्लॉग अच्छे से बना पाएंगे ताकि आपका भी ब्लॉग लोग पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से ऐप से अपनी वीडियो को शूट करनी चाहिए। ठीक है, यानी कौन से ऐप से हम अपनी ब्लॉग वीडियो को बनाएं, यही आप लोगों की कमेंट थी, तो सबसे पहले इसी को हम बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी फ़ोन है, अगर आप फ़ोन से यूज यानी शूट करते हैं या शूट करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन में, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम जो ब्लॉग बनता है किसी ऐप के थ्रू बनाया जाता है, यानी कोई ऐप कैमरा ऐप आता है या फिर कोई ऐसा ऐप आता है जिससे ब्लॉग शूट किया जाता है। ठीक है, लोगों के बहुत से लोगों के मन में यही चलता है कि कोई ऐप आता है उसी से ब्लॉग बनाया, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आपका जो फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है या कोई भी कंपनी का फ़ोन है, उसमें जो कैमरा ऐप होता है, कैमरा ऐप जिसे आप फ़ोटो खींचते हैं सेल्फी लेते हैं, वो वाला कैमरा ऐप आपके फ़ोन में है। ठीक है, उसी ऐप का यूज करना होता है, ना कि कोई अदर। आपको देखिए प्ले स्टोर पर जाएंगे या ऐप स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारा आपको मिल जाता है ऐप, कैमरा ऐप मिल जाता है, लेकिन उन ऐप से अगर वो जो वहाँ पे ऐप दिखता है उस ऐप का यूज करके अपनी ब्लॉग शूट करेंगे तो आपका ब्लॉग जो है बेटर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है लेकिन क्वालिटी आपको उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपके फ़ोन के कैमरे से मिलता है। ठीक है, तो आपको अपने फ़ोन के कैमरे को ही यूज करना है। अगर आप कुछ इफेक्ट मतलब ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपके फ़ोन में जो कैमरा ऐप है उसी का यूज करके अपनी ब्लॉग वीडियो को शूट करें, क्योंकि इससे बेटर आउटपुट मिलता है। ठीक है, सो ये रहा पहला। अब दूसरा स्टेप यह है फ्रेंड्स कि हम अपनी ब्लॉग तो शूट कर लिए, अच्छे से शूट कर लिए, अब उसको एडिट कौन से ऐप से करें ताकि और प्रोफेशनल टाइप का हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऐप सर्च कर लेना है VN, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री है और उसमें फ्रेंड्स आपको वो सारा फीचर्स मिल जाता है जो एक ब्लॉगर के लिए चाहिए। ट्रांजिशन मिल जाता है, इफेक्ट मिल जाता है, कलर ग्रेडिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अभी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी वीडियो जो VNF है उसी से एडिट किया हूँ। ठीक है, और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप लोगों को, इसका जो है ब्लू दिख रहा होगा, देख सकते हैं। तो मैं VNF से ही एडिट किया हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये चलाना भी आसान है और इसमें एडिट करना भी बहुत ही आसान है, और इसमें से जो वीडियो एडिट होने के बाद दिखता है फ्रेंड्स वो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके का हमारा वीडियो दिख रहा है। ठीक है, आपको भी इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और अच्छा लोकेशन पर जाएंगे तो और अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हम तो अपने छत पर हूँ, इस तरीके से साइड में स्काई मतलब अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर खड़ा होकर, और इधर जो है धूप, अभी शाम का टाइम होने वाला है, लगभग 5 बजने वाला है। ठीक है, शाम के 5, तो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, और आउटपुट देख सकते हैं किस तरीके का एडिट करने के बाद से, और अच्छे लोकेशन पे जाएंगे तो और अच्छा हमारा आउटपुट आएगा। तो आप VNF का यूज करके अपनी वीडियो को एडिट करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एडिट करना है वीडियो को, ब्लॉग वीडियो को, ठीक है, या कोई भी वीडियो बना रहे हैं आप VNF से एडिट करना चाहते हैं तो VNF को चलाना नहीं मालूम है कैसे चलाया जाता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे चलाना नहीं आता, प्लीज़ हमको बता दीजिए कि ब्लॉग वीडियो कैसे एडिट करें, तो हम आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बता देंगे कैसे आपको यूज करना है, कैसे उसमें म्यूजिक यूज करना है, कैसे उसमें ट्रांजिशन यूज करना है, कैसे इफेक्ट यूज करना है, कैसे स्लो मोशन, कैसे स्पीड, मतलब टाइमलेस जो भी होता है हम सारा कुछ उसमें बता देंगे आप लोगों को अलग से, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यही दो ऐप आपको यूज करना है अपनी ब्लॉग बनाने के लिए, पहला अपना कैमरा ऐप जो फ़ोन में इंटरनल कंपनी की तरफ से आता है वो वाला यूज करना है, दूसरा आपको VNF यूज करना है। इससे आप इन दोनों ऐप का यूज करके आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और थोड़ा सा भी पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।